आज कोई त्योहार व्यवहार है क्या? ये चौल को इतना सजा क्यों रखा है? अरे आज अर्चना ठीक होकर घर वापस आ रही है ना, इसी खुशी में सारा चौल सजा रखा है। अरे हाँ, सविता ताई बता रही थी इस बारे में, लेकिन ये लड़के कौन हैं जो चौल सजा रहे हैं? अरे तेजू, आज मानव ने कोई फंक्शन उंक्शन रखा है क्या? नहीं तो हमारी चौल कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन इसे इतना सजाया किसने? अरे बहुत बढ़िया, आज ही पूरा का पूरा चौल को ना महल से कम नहीं लगना चाहिए। आई आ रही है वापस अमरी। अरे हाँ सोम भाई, सजावट में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, इस चौल को ऐसा सजाएंगे कि सबकी आंखें धरी की धरी रह जाएगी। अरे शाबाश, ए यहाँ बाकी है, चल एक तो काम कर, स्टूल और हथौड़ा लेके हम यहाँ माला लगाते ले। अरे हथौड़ी तो हम लाए ही नहीं। हा? और तो इधर मला लगाया कैसे इधर? अरे वो तो हम चढ़ के लगा दिए। बुढ़बक्कों ने काम ढंग का नहीं है तुम लोगों का, अब कैसे लगा इनको बिना स्टूल के? आई के आने का बकत होगा, तुम लोग मजाक कर रहे हो। सोहन दादा। अरे तेजू क्या हाल है? आप ये सब आई के लिए कर रहे हो ना? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अरे का बात है तेजू, ए बकलो चल जा फटाफट लेके आ, तेजू इसको दे दे। अरे भाई साहब, कितनी देर से आप लोगों की सजावट चल रही है, जाली का पूरा काम ठप कर दिया आप लोगों ने। इस सजावट तो ठीक है, लेकिन ये पटाखे वटाखे क्या है? अरे कम से कम इस चाल में रहने वाले बुजुर्गों का तो ख्याल करो, इस चाल में खेलने वाले बच्चों का तो ख्याल करो, अगर उनको पटाखों की आवाज से कुछ हो गया तो। अरे काका, हम कौन सा पूरे दिन पटाखे चलाने वाले, और जो बूढ़े लोग हैं ना उन लोगों को बोलो अपने कान में रुई डाल के रखे रुई, और बच्चे लोग अगर 5 मिनट खेलेंगे नहीं ना तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, समझे क्या? तुम बात कैसी कर रहे हैं? मैं तुमको अच्छे से समझा रहा हूँ, तुम समझने के लिए तैयार नहीं है? देखिए काका, सोहम की आई 2 महीने बाद घर आ रही है, और उनके स्वागत में इतना तो बनता है ना, और सोहम को उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखनी है, समझे आप? निकल जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है इतना आपसे बात करने का, चलिए। ओए, बड़ों से बात कैसे करते हैं, तमीज नहीं है तुझे? अरे तो तू सिखाएगा तमीज है? सर अब फिर कौन बवाल कर दिया कि तो कौन बोल तुम्हें चलाने को? आई काकी, तेरे को कोनो चोट तो नहीं आई ना? रहन दे, ये तुम्हारी वजह से जख्मी हुई है। एक तो यहाँ लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हो, और गुंडागर्दी कब की है बे? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? लोगों से बात करने की तमीज नहीं है तुझमें, और ऊपर से उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। चौल के बीचों बीच पटाखा लगाने की क्या जरूरत थी? आई का स्वागत करने के लिए किए ये सब। कोई जरूरत नहीं है, एक तो तेरे किए से मेरी आई तोरी आई नहीं है, सिर्फ वो अमरी आई भी है, सिर्फ नाम की। अब बेटे होने का कौन सा फर्ज निभाया है तूने? सिर्फ दुख और परेशानी दिया है तूने आई को, और किस अधिकार से तू यहाँ पे उनका स्वागत कर रहा है? आई ने दिया हमको ये अधिकार, जानते हैं कि आई को दुख दिए लेकिन पश्चाताप कर रहे हैं, सुधर रहे हैं हम। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि तू सुधर रहा है। आई कभी नहीं चाहेगी कि उसके वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, तो क्यों उसके स्वागत का नाम लेकर लोगों को परेशान कर रहे हो? मैं तो भूल ही गया, तुझे तो शौक है लोगों को जख्मी करने का। दादा क्या कर रहे हैं आप? दादा को छोड़िए। तेजू मत रोक हमें, ये ससुरा हमको गुंडा कहता है ना, आज दिखाते हैं इसको गुंडागर्दी का होबत है। 2-4 किताबें का पढ़ ली वकील बनने के लिए हमसे उलझ रहा है। गलत क्या कहा मैंने? तेरे पटाखों की वजह से उस औरत को चोट पहुंची है, इस तरह स्वागत करेगा तू आई का? अरे शुक्र मना कि इन लोगों ने अभी तक तेरी पुलिस में शिकायत नहीं की है। लेकिन मैं करूंगा। कर, जॉन से शिकायत करनी है कर, तोरी बुद्धि भैंस की है, सीधी बात समझ नहीं आएगी।
कह रहे हैं जब जान के नहीं किए, कहे बोल रहे हैं फिर? जान बूझ कर तो तू कभी कुछ करता भी नहीं है, और ना ही जान बूझ कर तूने आई पे गोली चलाई। उस घर में मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रुका सकता था। अगर रुकाता तो हालत और बिगड़ जाते। हालात बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। तुम पूर्वी को हमारे बारे में कब बता रहे हो? बहुत ज्यादा। ओके, ओने तुम पूर्वी को हमारे रिश्ते के बारे में आज ही बताओगे? शालिनी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं पूर्वी को क्या बताऊं कि तुम मेरी पहली पत्नी हो? आई एम सो सॉरी, मैं दिन भर इतना बिजी थी कि आपको शालिनी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। हाय, आई एम शालिनी, शालिनी सेन गुप्ता। एक बात पूछूं? हाँ। शादी करोगी मुझसे? आप मुझे ऐसी हालत में एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से जुड़ना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, हम दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, और ये चीज मेरे लिए काफी है तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तक आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। वक्त के साथ साथ वो भी जान लेगा। ऐसा क्यों किया आपने ऑनर? क्यों क्यों मुझसे इतने सारे वादे करके करके अब इस मोड़ पर आकर मुझे अकेला छोड़ दिया? आज तक कितना कुछ किया आपने मेरे लिए, हर अच्छे बुरे हाल में मेरा साथ दिया। जब दुनिया मेरे खिलाफ हुई थी आप मेरे साथ खड़े थे, और आज पता चल रहा है कि वो सब झूठ था। आपका वो प्यार, आपका वो कंसर्न, सब कुछ आप जानते थे ना? इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं, फिर भी आपने मेरे जज्बातों का इतना बड़ा खिलवाड़ किया, इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। आपकी पहली पत्नी होते हुए आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऑनर कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा? वर्षा, सच कहूं तो मैं यहां पे नहीं आना चाहती, लेकिन आज जो आपने सोहम के साथ किया है उस गलती का एहसास दिलाने के लिए मुझे यहां पर आना पड़ा। जीजू मैं मानती हूं, मैं उम्र में और रिश्ते में आपसे छोटी हूं, लेकिन इतना रिश्ता? तो किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम, और किस हक से कर रही हो? मैं मानती हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, और उस गलती की सजा मेरे परिवार के साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतनी पड़ी, लेकिन मैंने उसका प्रायश्चित किया है जीजू, और उसी की वजह से आज मेरी आई ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि यही बड़प्पन आप आपके बेटे के साथ नहीं दिखा पाए। एक बात मत भूलिए, आज सोहम की वजह से ताई कोमा से बाहर आई और घर वापस आ रही, इस काम के लिए उसकी पीठ थपथपाने के बजाय आप उसे भला बुरा कहते जा रहे हैं। अरे जो गलती उसने कभी की ही नहीं उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, क्यों? जीजू आप माने या ना माने, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। माई चलना, तू कहा इनके मुंह लग रही है? हम गुंडे हैं ना, गुंडे ही रहेंगे इनके लिए। चल तू यहां से। तो हम तू चल यहां से, जिस जगह पर तेरी कोई इज्जत नहीं है मैं तुझे वहां एक मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। चल। इसके
मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, शालिनी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज मुझ पर शक करना बंद करो तुम। अरे मैं उसको तो जानता तक नहीं था जब तक तुम उसको यहाँ पर नहीं लेकर आई थी। आप अभी मुझे सच्चाई नहीं बताएंगे? और मिस्टी प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे माफ करो और बंद करो इस टॉपिक को यहाँ पर। और एक मिनट, आज आपको सारी सच्चाई बतानी होगी। आपके और चलने के पीछे क्या है? आज मैंने खुद अपनी आंखों से आप दोनों को मार्केट में बात करते हुए सुना, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि सच है क्या। कैसे सच है और क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं शालिनी को मार्केट में क्यों मिलने जाऊंगा? जब से उस घर से बाहर गई मैंने उसे तो देखा भी नहीं है। और कितना झूठ बोलेंगे? अरे अब तो सच बता दीजिए, आपके और शालिनी के बीच में क्या है? देखिए और मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज और झूठ मत बोलिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। प्लीज ऑनर मुझे मुझे सच क्या है बता दीजिए। आपको परी की कसम, सच क्या है जल्दी बताइए। कसम खाइए ऑनर। सोहम भाई तू कहीं गई थी वहां? सोहम मैं पहचानी नहीं कहूँ को, सिर्फ रिश्तों की बड़ी बड़ी बातें करता है वो आदमी, मगर असल में रिश्तों की अहमियत क्या होता है वो जानता ही नहीं। सोहम ये क्या हो गया तुझे, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो और मानव के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, उसके लिए ये भाषा? और क्या करे आजी, क्या करे? तू जानती है कि वो आदमी आज क्या किया हमारे साथ? आजी अगर आपको हमारे भाषा से या हमारे बर्ताव से आपको कोनो भी बुरा लगा तो हम माफ कर दीजिए हम, लेकिन आज हमको रोकिए मत। अर्चना जी हमारी आई लेकिन वो मानव देशमुख, वो हमारा बाप ना ही और ना ही कभी हो सकत। अरे हम वो अपनी आई के लिए गए, उनके स्वागत के लिए गए, मगर वो आदमी वो हमसे अपनी वो खुशी भी छीन लिया। पता नहीं कौन मिट्टी का बना है, वो सचिन की झूठी बातों में आ गया, हम भी एक तो बात नहीं सुना। गुंडा का हमरे को आजी, हम चाहे जितना सुधारने की कोशिश करें ना, वो आदमी जिंदगी भर हमको गलत समझेगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, देख मुझे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन मानो को तेरी अच्छाई का एहसास होगा, वो तुम्हें अपनाएगा, तुझे प्यार करेगा। अरे नहीं नहीं आजी, हमको ऐसे आदमी की प्यार की जरूरत है ही नहीं। हमरे लिए हमारी माई का हमारी आई का प्यारी का। सोहम सोहम आई, तू उसकी बात का बुरा मत मान, अभी गुस्से में इसलिए इतना सब कुछ बोल गया, उसके मन में कुछ नहीं है। और एक तरफ से देखा जाए तो उसने जो कुछ भी कहा सही था, क्योंकि मानव जीजू ने जो कुछ भी किया वो गलत था। पता नहीं एक बाप बेटे के बीच के अनबन कब खत्म होंगे। मैं तो पापा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई तो आए और बाप बेटे के बीच की दूरी खत्म करे। वो आ गई अर्चुताई, अब तो देखना अर्चुताई मानव जीजू को और सोहम को मिला कर रहेगी। मानव यहाँ कुछ नहीं बदला ना, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा। हाँ वैसे कहने को तो यहाँ कुछ नहीं बदला है, लेकिन तुम्हारे आने से बहुत कुछ बदल गया है। मानव अब अर्चना मानव की नई सिरे से जिंदगी शुरू।
आई के आने का टाइम हो गया, आपने अभी तक ये नहीं लगाया। अरे कर रहा हूँ ना, चल लगाने मदद कर। तेजू तेरा ये हो गया तो थोड़ी तलने के लिए मदद करने आ। तेजू पहले तू सेलोटेप लेके आ, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। मैं लेके आती हूँ। हाँ लेके आ। आई आजी, आई आ गई। कैसा है? बढ़िया है, वेलकम होम। थैंक यू। अंदर नहीं चलोगी? नहीं, ऐसे कैसे अंदर आएगी। तेजू जा, पूजा की थाली लेके आ। अभी लेके आ। भाग्यवती हो। अर्चना, तू जैसा घर छोड़कर गई थी ना वैसा ही है। तेरे बिना ये घर घर नहीं था, आज तो आ गई, इस घर में रौनक आ गई। अरे देख, बोलते बोलते भूली गई, मैंने तेरे लिए तेरी कांदा भजी बनाई है, लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं आजी, तू बैठ, मेरी इस बारे में ऑलरेडी आई से बात हो गई थी। आई मेरे हाथ का बना कांदा पोहा खाएगी, है ना? नहीं नहीं, मेरी भजी खाएगी कांदा पोहा। आई मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले कांदा पोहे खा लेती हूँ। देखिए तेजू ने प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी घर आऊंगी तो वो मुझे खिलाएगी, मैं दोनों खाऊंगी ना, आपने जो बनाया वो भी खाऊंगी और तेजू का भी। मैं अभी लेके आती हूँ। आजी जो बहुत अच्छा बना। हालात बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। तुम पूर्वी को हमारे बारे में कब बता रहे हो? बहुत जल्द। तुम्हारा बहुत जल्द करते करते बहुत देर हो चुकी है ओनर, तुम्हें पूर्वी को हमारे बारे में आज ही बताना होगा। आपको परी की पसंद, सच क्या जल्दी बताइए। बोलिए ना। हाँ, शालिनी मेरी पहली पत्नी है। So, whenever your delegates are back, please ask them to give me a call. My associates are going to get... Mr. Verma, I'm going to call you. Yep, thank you. I'm going to see you soon. Purvi? Tum yahan pe... Pari? Oh, my baby. Oh, my darling princess. How are you doing? Hey. Oh... तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ से आ रही थी और बारिश शुरू हो गई, परी को भी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर होटल में रुक लेती हूँ। तो तुम अब घर जा रही हो? हाँ हाँ, तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अर्जुन, मैं चली जाऊंगी। पूर्वी पूर्वी बाहर देखो, बारिश कितनी हो रही है, इतनी बारिश में कहाँ ऑटो ढूंढोगी तुम? अर्जुन नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। प्लीज, परी भी तो है साथ में, इसके लिए प्लीज मैं छोड़ देता हूं। yeah. Come.
एक वक्त था ना पूर्वी, जब तुम्हें ये बारिश बहुत पसंद हुआ करती थी। आई थिंक ऊपर वाला बहुत ज्यादा प्यार करता है हम दोनों से। हम जब कभी मिलते हैं वो फड़ा बारिश कर देता है। तो चले और इस बारिश को थैंक यू बोले। ओके लेट्स गो। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं अर्जुन। और फिर परी को भी ठंड लग जाएगी ना। अरे परी, क्या हो गया परी को? मैं ले लूं प्लीज। ओह ले 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 ले। हाँ जी। हाय बेबी। अब इतनी रात को परी को कहाँ ले जाऊं? आई बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। पूर्वी का फोन इतनी रात को, कहीं अर्चना जी को? हाँ पूर्वी, क्या हुआ? तूने इतनी रात को फोन किया? अर्चना जी ठीक तो है ना? गौरी तू तो जानती है ना मेरी आई से बात कहाँ हो रही है, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा सुन, मैंने तुझे इस वक्त किसी और काम से फोन किया है। मतलब? वो गौरी, मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ बोल पूर्वी, कैसी मदद? क्यों, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे घर पे रह सकती हूँ? हाँ रह सकती है पूर्वी, लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहीं ओनर के साथ तेरा? देख मैं तुझे सब कुछ घर आके बताती हूँ। हाँ मैं तेरे घर आ जाऊँ ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है, मैं अभी घर पे ही हूँ, तू जल्दी से आ जा। ठीक है, सुन थैंक्स। हाँ इट्स ओके पूर्वी, दोस्त होते ही किस लिए, तू सीधे घर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। बाय। तो हम आज मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है, भाकरी और बैंगन का भरता। पसंद है ना तुझे? नहीं आजी, भूख नहीं है मेरे को। अरे लेकिन मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, थोड़ा तो तुझे खाना ही पड़ेगा। हाँ चल शुरू कर। अर्जुन तो इस वक्त यहाँ आई? वो मैं सोहम को घर ले जाने आई। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बेटा तूने मानव से ये पूछा है ना? वो सोहम का घर, सोहम का उस घर पर पूरा हक है और वो जब चाहे वहां आ सकता है, उसे किसी की मर्जी की जरूरत नहीं। भाई तू उसे यहाँ से ले जा, इससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ मुझे सब कुछ पता है और मैं जानती हूँ कि सोहम कभी गलत नहीं हो सकता भाई, लेकिन जीजू की इजाजत के बगैर तू? वर्षा मैंने तुझसे कहा सोहम का पूरा हक बनता है उस घर पर, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है और ये मैं तुझसे कह रही कि अब सोहम मेरे साथ रहेगा। रहेगा ना सोहम? नहीं आएंगे हम तोरा साथ, तोरे घर नहीं आएंगे। तो ये क्या कह रहा है? तो घर कैसे नहीं आएगा? ऐसे ऐसे मत बोल सोहम, मैंने इस दिन का बहुत सालों से इंतजार किया है कि तू कभी ना कभी मेरे पास लौट के वापस आएगा। अगर तू ऐसे कहेगा तो कैसे चलेगा सोहम? सोहम मेरा सपना पूरा नहीं करेगा क्या? मैं यही सपना देखा है सोहम, प्लीज मेरे साथ घर चल।
रुको ना, जरूरत नहीं है हमारे सामने विनती करने की। ठीक है, हम आएंगे दोरा साहब। लेकिन एक बात कह देता, अगर मानव देश में कुछ सॉरी किस लिए? मुझे पता आप मुझसे नाराज हैं। बात नाराज होने की नहीं है अर्चना। दो महीने के बाद तुम कोमा से बाहर आई हो, एक नया जन्म मिला है तुम्हें। इस खुशी के आगे मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती। एक बात का मुझे हमेशा बुरा लगता है, जनाब हम सोम के साथ कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों ना कर लें, वो नहीं बदलेगा। और खास करके आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मेरी ये सोच और भी पक्की हो गई है। अर्चना, मैं सोम के बारे में किसी फैसले पर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुम उसे घर ले आई। हम कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों ना कर ले सोम के साथ, वो नहीं बदलेगा। अर्चना, वो इस घर में रहना डिजर्व ही नहीं करता, काबिल ही नहीं है वो। उसे काबिल हम बनाएंगे मानव। मानव बच्चे बच्चे काबिल बनकर नहीं आते, उनके माँ बाप उन्हें काबिल बनाते। मानव, सोहम को हमारी जरूरत, हमारे प्यार की जरूरत, और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार एक साथ रहे, है ना? ठीक है, सोहम यहाँ रह सकता है, लेकिन अर्चना मैं जब भी उसे देखता हूँ या जब भी वो मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है अर्चना, और मैं उसे ढंग से बात नहीं कर पाता, और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो घर में आए। मानव, मैं आपको समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सोहम बहुत बदल गया, वो पहले जैसा नहीं रहा माना। और मुझे यही लगता है कि जैसे बाकी सारे बच्चों का हक है हम पर और इस घर पर, वैसे ही सोहम का भी होना चाहिए। हाँ अर्चना, लेकिन घर में उसे किसी ने भी ठीक से अपनाया नहीं है। तुमने देखा ना, उसे देखते ही आई ने कैसे रिएक्ट किया, और सचिन तो सोहम का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। उसने हमारे परिवार के साथ इतना गलत बर्ताव किया है ना, मुझे नहीं लगता अर्चना कि कोई भी उसे आसानी से अपनाएगा। मैं जानती हूँ मानव, सोहम ने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मानव उसे गलती सुधारने का भी एक मौका मिलना चाहिए ना। उसे कौन मौका देगा मानव? उसे हम मौका देंगे, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। मानव, सोहम जितना मेरा बेटा है उतना ही आपका भी बेटा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।